नमस्कार, आई एम डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा. आई एम वर्किंग हियर एट मणिपाल हॉस्पिटल एज सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन. आई एम अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी. आज हम बात करेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किन सिचुएशंस में पड़ती है और आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हो. यूजुअली जॉइंट रिप्लेसमेंट्स तब होते हैं जब उम्र के कारण हमारे जोड़ घिस जाते हैं और हमारे को चलने में दिक्कत होने लगती है, हमारे को दर्द होने लगता है घुटनों में, और हम बेयरली जब 100 मीटर भी नहीं चल पाते हैं तो हम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि इट इज़ बेटर दैट यू गो फॉर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सो एज टू हैव अ नॉर्मल लाइफ इन फ्यूचर. जॉइंट रिप्लेसमेंट्स यूजुअली एक वेल ट्रेन्ड सर्जन के लिए कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती, बट डिफ़िकल्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के लिए यूजुअली स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. डिफ़िकल्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हम करें तो वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिफ़िकल्ट तब हो जाती है जब जोड़ के अंदर एक फ्रैक्चर भी हो गया हो, या जोड़ को संभालने वाले जो लिगामेंट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो, या ऊपर नीचे की हड्डियां जुड़ गई हों, या उसमें पहले से कोई इन्फेक्शन हो. इस तरह की सिचुएशंस में आपको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए और उस जॉइंट रिप्लेसमेंट को हम डिफ़िकल्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट की कैटेगरी में रखते हैं. जॉइंट रिप्लेसमेंट यूजुअली बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देते हैं. 15 से 16 साल पेन फ्री लाइफ तो मिलती ही है, पर आज की डेट में कुछ जोड़ ऐसे भी हैं जो 35 ईयर्स ऑफ पेनलेस मोबिलिटी का दावा करते हैं और देते भी हैं. जॉइंट रिप्लेसमेंट की सिचुएशन तक ना पहुँचें इसके लिए हमारे को कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के कदम उठाने पड़ते हैं, जिसमें आपका प्राइमरी रोल है डाइट का और सेकेंडरी रोल है एक्सरसाइज का. Usually we boast and we talk lot of things about exercises, but I personally feel कि diet का role हमेशा ही primary रहेगा. Exercise, though it is very very necessary, but has only 20-30% role in maintaining good health and fitness. Diet में आप protein rich diet पे ध्यान रखिए. हमारा समाज, हमारा देश एक हिंदू लोगों का देश है ये, और अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं. वेजिटेरियन में हमारे को प्रोटीन सोर्स कहाँ कहाँ से मिलता है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे दूध, दही, दालें व न्यूट्रेला सोया चंक्स आते हैं वो. आपके बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा और साथ में रेगुलर व्यायाम. व्यायाम आपको घुटने के, कमर के और गर्दन के नियमित रूप से करने चाहिए. डेली वॉक इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. डेली वॉक में हमारा टारगेट यूजुअली 8000 स्टेप्स यानी कि 8000 कदम से लेकर 10000 कदम तक होना चाहिए. ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का रिकमेंडेशन है कि अगर आप अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं और आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से बचना चाहते हैं तो आपको 8000 कदम चलने चाहिए. 8000 कदम चलने से जोड़ों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, ख़ास तौर पे आपके घुटनों का. अगर आप ऐसा करते हैं तो यूजुअली आपकी लाइफ निकल जाती है अच्छी खासी और जोड़ बदलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. ब्लड प्रेशर, थायराइड की बीमारियां और डायबिटीज़ ये भी हमारे जोड़ों को ख़राब करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं. आप किसी तरीके से अपनी डाइट और एक्सरसाइज के माध्यम से इन ब्लड प्रेशर और शुगर को अगर आप दूर रख सकते हैं तो आपके जोड़ों की स्वास्थ्य बहुत 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 अच्छा रहने वाला है आने वाले सालों में. पर इसके बावजूद भी अगर जोड़ों में कोई समस्या है, चोट लगी है, जोड़ घिस गए हैं, दर्द बहुत है, सूजन है, उसके कारण आपकी दिनचर्या जो है वो प्रभावित हो रही है, आप
खुश नहीं रहते हैं तो आप डॉक्टर से अवश्य मिलें। हमारे पास लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं। ट्रीटमेंट व्यवस्था इस तरीके की हो गई है कि ऑलमोस्ट हर सिचुएशन को आज की डेट में हैंडल करा जा सकता है और आपको एक स्वास्थ्य जीवन वापस लौटाया जा सकता है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा आपको एक यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने खान पान और व्यायाम का खास ख्याल रखें। इसके साथ ही दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी लाइफ में डिसिप्लिन। भले ही मैं बात कर रहा हूँ जोड़ बदलने की, स्पाइन सर्जरी की या गर्दन की प्रॉब्लम्स की, पर हमारे पास अधिकतर केस, सबसे ज़्यादा केस आते हैं ट्रॉमा के। ट्रॉमा मतलब कि एक्सीडेंट्स, गिर जाना, छत से गिर जाना, ऊंचाई से गिर जाना। और एक्सीडेंट्स के पीछे यूजुअली हम लोग पाते हैं कि इट इज़ द लैक ऑफ रोड डिसिप्लिन। गाड़ी तेज ना चलाएं, शराब पी के गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं और ऑपोजिट डायरेक्शन से तो बिल्कुल आए ही नहीं। अगर इन तीन चीज़ों का ध्यान हम रखते हैं तो हम 70% तक अपने एक्सीडेंट्स कम कर सकते हैं, एक्सीडेंट से होने वाला खर्चा कम कर सकते हैं, एक्सीडेंट से होने वाली तकलीफ दूर कर सकते हैं। थैंक यू।